इन मशीनों के द्वारा सोल्डरिंग की जाती है। एक वेव सोल्डरिंग मशीन है, दो बार सोल्डरिंग की जाती है, डिप सोल्डरिंग की जाती है ताकि कोई भी कंपोनेंट लूज ना हो, और इस तरीके से बाद में उस पर सोल्डर लग जाता है। बनने के बाद हर एक पीस को टेस्ट किया जाता है तसल्ली बख्श, हर एक एल्युमिनियम MCPCB को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। प्लेट की हाउसिंग आप देख सकते हैं जो यहीं पे बनाई गई। दोस्तों ये हमारी ML लाइन है जहां पर हम सबसे पहले बोर्ड को लेते हैं, और SMT लाइन है जहां पर हम LED चिप्स को लगाते हैं। पॉलीकार्बोनेट 100% वर्जिन माल से तैयार एडिड ट्यूबलाइट हाउसिंग, जिसको कंपेयर आप किसी भी बड़े हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के हीटर लगे हुए हैं, वो प्लास्टिक को पिघलाते हैं और आगे एक्सट्रूजन के द्वारा हाउसिंग को। दोस्तों यहां पे आपको 1 फुट से लेकर के आप जितना फुट तक का ट्यूबलाइट चाहोगे उतने फुट तक का ट्यूबलाइट मिल जाएगा, चाहे वो 50 फुट की हो चाहे वो 100 फुट की हो। कॉमेंट्स या फिर ट्रेनिंग के समय सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सर आखिर आप रुद्रपुर की वीडियो कब अपलोड कर रहे हो, तो आज हम जाने वाले हैं रुद्रपुर, और अभी मैं हूं भगवत लाइट मिनिस्ट्री G7 में, और यहां से जाएंगे हम कहां? रुद्रपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत भगवती बिजनेस आइडियाज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे क्लाइंट बहुत 2000-3000 किलोमीटर से देश से विदेश से जब दिल्ली आएंगे तो उनका मन ये भी करेगा कि हम आपके प्लांट को विजिट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए खास होने वाली है कि कैसे आप दिल्ली G7 उद्योग नगर से रुद्रपुर की तरफ जा सकते हैं, कौन कौन से शहर बीच के अंदर आते हैं, कैसी वो फैक्ट्री है, कैसा वो इंडस्ट्रियल एरिया। आइए शुरुआत करते हैं एक अच्छी जर्नी की। धन्यवाद। जय भगवती। सुबह सुबह अगर निकलते हैं और आपको ब्रेकफास्ट करने की जो पड़ती है, तो यहाँ पे गजरोला इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर आपको KFC, बर्गर किंग, और अगर आप वेज में जाते हैं तो मोगा है, रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छे, आपको मतलब ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, और ये ऑनलाइन हाईवे पे ही पड़ता है। और भूख भी बहुत लगी है इसलिए पहले जाके भाई आलू पराठे। दोस्तों ये गोल चक्कर है और यहाँ से हम जाएंगे हल्दीवानी की तरफ। अब यहां से हमें अंदर जाना है। नमस्कार दोस्तों, ये NSR लुमेटेक प्राइवेट लिमिटेड की हमारी टीम है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार भगवती बिजनेस आइडियाज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने NSR लुमेटेक के नाम से NSR एडिड ट्यूबलाइट के नाम से एक ट्यूबलाइट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया। उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि कुछ ही दिनों में पूरे भारत वर्ष से हमारे पास काफी ऑर्डर प्राप्त हुए। अभी बहुत सारे लोगों की ये भी शंका होगी कि सर ये माल हमारे को परमानेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि चाइना से लाया गया है, कभी आपको सस्ता पड़ा आप सस्ते में दे रहे हो, और इसका आने वाला स्कोप कैसा? दोस्तों बताना चाहूंगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग बढ़ती रहेगी, और आपको ये भरोसा दिलाने के लिए कि आप इस माल को परमानेंट यहां से ले सकते हैं, हो सकता है कि 5 या 10 या 15 दिन की कंसाइनमेंट के अंदर डिलीवरी हो जाए, किसी मटेरियल के अंदर डिलीवरी में लेट हो जाए तो हो सकता है, अन्यथा आप इस वीडियो को देख करके खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाएंगे, खुद भरोसे में लाएंगे कि
जो आप प्रोडक्ट बेचने वाले हैं वो आप एक फैक्ट्री से ले रहे हैं जहां पर शुरू से लेकर एंड तक इसको तैयार किया जाता है। आइए दोस्तों मैं दिखाता हूं कैसे एनएसआर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड रुद्रपुर के अंदर आपके एग्री ट्यूबलाइट को तैयार किया जाता है। ये देखिएगा एलईडी लाइट दोस्तों, ये हमारी एसएमटी लाइन है जहां पर हम एलईडी चिप्स को लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो प्रिंटर हैं जिसके द्वारा एलईडी को लगाया जाता है। ये भी एसएमटी लाइन है, ये अभी आप लाइन पे देख सकते हैं। अभी एसीडीसी 9 वोल्ट का एमसीपीसी बन रहा है। और जिस ट्यूबलाइट की मैं बात कर रहा था उसकी क्वालिटी के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। गोरा जी एक बार दिखाइएगा ताकि क्लाइंटों को पता लगे कि किस क्वालिटी की एलईडी चिप और किस क्वालिटी की एमसीपीसीबी हम यहाँ पे बनाते हैं। आप पैनल की क्वालिटी से, ये कोई स्टोक लोड का माल नहीं है, ये कोई रिजेक्ट माल नहीं है, 100% फ्रेश माल जो अपनी तसल्ली के साथ यहीं पर माउंट किया जाता है। एलईडी क्वालिटी का हमें पता होता है। ये ओवन है, यहाँ से माल निकलता है। हर माल को निकलने के बाद उसको टेस्टिंग की जाती है। ये डेली की प्लानिंग होती है दोस्तों, कभी कोई सा मॉडल चल रहा होता है, कभी कोई सा मॉडल चल रहा होता है। आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से एलईडी ड्राइवर को बनाते हैं और किस तरीके से प्लास्टिक को बनाया जाता है। दोस्तों ये हमारी एमआई लाइन है जहाँ पर हम सबसे पहले बोर्ड को लेते हैं और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं बोम के अकॉर्डिंग, उन सब को एक एक करके एमआई लाइन के द्वारा एक एक कंपोनेंट को डाला जाता है। अभी आप देख सकते हैं 9 वाट के ड्राइवर की प्लानिंग की जा रही है विद EMI एंड EMC। इन मशीनों के द्वारा सोल्डरिंग की जाती है। एक वेव सोल्डरिंग मशीन है, 2 बार सोल्डरिंग की जाती है, डिप सोल्डरिंग की जाती है ताकि कोई भी कंपोनेंट लूज ना हो, और इस तरीके से बाद में उस पर सोल्डर लग जाता है। बनने के बाद एक बार माल को बनने के बाद दोबारा टेस्टिंग की जाती है कि कहीं पर उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस लाइन के अंदर, जिसके अंदर हमने एमओवीआर फ्यूज़ भी लगाया हुआ है, 2 kV की सर्ज भी दी हुई है इस एलईडी ट्यूबलाइट के ड्राइवर के लिए। बनने के बाद हर एक पीस को टेस्ट किया जाता है, तसल्ली बख्श किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी को निर्धारित किया जा सके। इसके बाद
हर एक एल्युमिनियम MCPCB को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद जो LED ट्यूबलाइट की हाउसिंग आप देख सकते हैं जो यहीं पे बनाई गई है, उसके अंदर वायर और MCPCB को डाला जाता है, और डालने के बाद उसमें ड्राइवर को डाला जाता है। इस तरीके से फिर एंड के अंदर टेस्टिंग की जाती है, और एक बार जब पैकिंग होती है तब दोबारा टेस्टिंग की जाती है। आइए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि LED ट्यूबलाइट हाउसिंग को कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने साइज के अकॉर्डिंग कोई भी ट्यूबलाइट की हाउसिंग, LED ट्यूबलाइट की हाउसिंग बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ये अभी मशीन की सेटिंग चल रही है दोस्तों। यहाँ पर LED ट्यूबलाइट हाउसिंग को बिल्कुल प्लास्टिक को पिघला के बनाया जाता है, और तभी एक क्वालिटी निकल करके आती है, और तभी हम आपको एक अच्छा प्राइस दे पाते हैं। ये वो मशीन है जिसमें अलग अलग टाइप के हीटर लगे हुए हैं, वो प्लास्टिक को पिघलाते हैं और आगे एक्सट्रूजन के द्वारा हाउसिंग को बनाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वालिटी निकल कर आती है। 100% पॉलीकार्बोनेट, 100% वर्जिन माल से तैयार LED ट्यूबलाइट हाउसिंग, जिसको कंपेयर आप किसी भी बड़े ब्रांड से कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली आपने देखा होगा ट्यूबलाइट 1 फुट, 2 फुट और 4 फुट की। अगर आपको यहाँ पे 100 फुट की भी ट्यूबलाइट आपको बनवानी है तो यहाँ वो भी बन जाएगी। तो नमस्कार आकाश सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस बढ़िया है सर। तो आप हमें थोड़ा सा बता दें प्रोसेस कैसे कैसे क्या होता है। ये हमारा इस समय चल रहा है 4 फुट, जो कि पार्टी की डिमांड है कि इसमें सेंटर होल नहीं रहेगा, पंचिंग नहीं रहेगा। अगर आपको चाहिए तो हम आपको पंचिंग करके देंगे, सेंटर होल करके देंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, आपको कस्टमाइज यहाँ मिल जाएगी 50 फुट या फिर 100 फुट। तो चलिए अब चलते हैं प्रोसेस की ओर। दोस्तों अगर हम कहते हैं कि आपको हम A1 क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कैसे, तो आकाश सर बताएं दाने के बारे में। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये हम वर्जिन दाना चला रहे हैं और इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, ना तो सेकंड का है ना तो ग्राइंडिंग है, प्योर वर्जिन माल हम चला रहे हैं। माइक्रोलोन का नंबर 1 मटेरियल आप देख सकते हो, A1 क्वालिटी। तो सर ये तो हो गया हमारा बेस मटेरियल जी। अब वो जो है वो हमारा डिफ्यूज़र के लिए है जी। जी जी, तो सर आप इसके बारे में थोड़ा बता दें, ये पूरा प्रोसेस क्या है। ये आप देख रहे हो बेस मटेरियल, यहाँ से बेस मटेरियल हमारे मशीन में जाएगा हॉपर, जिसे बोलते हैं लोडर, कोई हॉपर बोलता है कोई लोडर बोलता है। ये फिर हॉपर में मटेरियल जाएगा, फिर वहाँ पे हीट होता है, इसमें हीटर लगे हुए हैं। यहाँ पे हीट होने के बाद हमारा मटेरियल फिर बैरल में आता है, जो कि हमारे यहाँ मशीन में 2 बैरल लगे हुए हैं। बहुत कम आप देखे होंगे, 90% आदमी अभी सिंगल स्क्रू चला रहे हैं, हमारे यहाँ डबल चल रहा है, डबल पट्टी चल रही है, डबल प्रोटेक्शन है। और दूसरा नंबर यहाँ से बैरल में जाएगा, और ये हमारा टेम्परेचर है देख सकते हैं आप दोस्तों, और दोनों में अलग अलग मटेरियल चल रहा है दोस्तों। उसमें डिफ्यूजर चल रहा है ऊपर का मटेरियल ट्यूबलाइट का, और ये है हमारा नीचे का जिसे हम बोलते हैं बेस मटेरियल, दोनों में अलग अलग आ रहा है। ये हमारी डाई है, डाई में आके दोनों ज्वाइंट हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से हमारा 2 साइजल लगे हुए हैं, अब यहाँ से दोनों अलग अलग पट्टी जाएंगी, डबल पट्टी चल रही है दोस्तों, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हमारा चल रहा है प्रोटेक्शन, दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा पानी कूलिंग करने का मशीन है, जिसे हम बोलते हैं चिलर। 80% आदमी कूलिंग टावर चलाते हैं, लेकिन हम चिलर चला रहे हैं इसलिए कि हमारे ट्यूबलाइट में शाइनिंग अच्छी से अच्छी हो और पट्टी फटे ना, क्योंकि कूलिंग टावर से पट्टी फट जाती है, और हमारे चिलर से पट्टी बेस्ट नंबर 1 क्वालिटी मिलेगी आपको, कोई शिकायत नहीं मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर हम कह रहे हैं कि आपको A1 क्वालिटी हम दे रहे हैं और वो भी इतने प्राइस में, तो इसका बस कारण यही है कि मैन्युफैक्चरिंग हम खुद कर रहे हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो ये हमारा है कटर मशीन, इसमें T5 कटिंग होता है, और ये है हमारा सेंटर होल, यहाँ पे ड्रिल मशीन लगी हुई है दोस्तों, यहाँ से हम सेंटर होल करते हैं
और उसके बाद यहाँ पे कटिंग होती है। आपको जितने भी फुट के चाहिए पट्टी, 1 फुट से लेके 100 फीट तक, वो आपको मिलेगी। ये हो गई हमारी पंचिंग मशीन, ये लगी हुई है इसमें और यहाँ पे पंचिंग होगी। आप देखे होंगे बहुत से सारे जगह ये मशीन नहीं लगी हुई है, ये हमारे मशीन में डिवाइड होके आई है। इसमें यहीं पे पंचिंग होगा, यहीं इसी में सेंटर होल होगा, ये आपको पूरा ओके होके मिलेगा। मतलब कि ए से लेकर के जेड तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों ट्यूबलाइट कटिंग होने के बाद उसको यहाँ पे अच्छे से क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद आप देख रहे हैं इसको अच्छे से पैक किया जाता है। पैक करने के बाद फिर ये डिस्पैच के लिए रेडी। भगवती लाइट इंडस्ट्री अगर आपको ये कहती है कि ड्राबर, MCPCB, हाउसिंग हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आज आपने वो देख लिया है, आप तो आप मानोगे। कमेंट में अक्सर ये पूछाता है कि सर आप इतने कम प्राइस में कैसे दे पाते हो रॉ मटेरियल या फिर रेडी प्रोडक्ट। तो इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी भगवती बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल पे, इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और लेना हो ट्रेनिंग या फिर रॉ मटेरियल आपको यहीं आना है। कहाँ, मैं एड्रेस बता देता हूँ, भगवती लाइट इंडस्ट्री, G7 उद्योग नगर, रोहतक रोड, न्यू दिल्ली। टोल फ्री नंबर मैं आपको बता दूँ एक बार, 1800-88-94-173। मिलते हैं जल्दी ऐसे मुड़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवती। तो यहाँ पे क्या बोलो, लेकिन लाइट का करना ऑलरेडी व्यापार तो आए भगवती के द्वार। कान का मन नहीं कर रहा है, दोबारा आएंगे। जय हिंद, जय भगवती, बाय बाय सर। हाँ सर, दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मैन्युफैक्चरिंग की। अब वापस चलते हैं G7।